हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस के बारे में, जिनमें बहुत अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। और जैसे कि आप देख ही चुके होंगे टाइटल में, तो ये हैं विद और बाय। विद और बाय इंग्लिश के नहीं हैं, मतलब विद बाय। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने अपने सेंटेंस में विद लगाना है या बाय लगाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि विद और बाय में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो विद है प्रपोजिशन, वो उसे अगर आप हिंदी में समझेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कि जब हम बोलते हैं ना किसी के साथ कोई चीज़ होती है, तो साथ है वो चीज़, तो उसके लिए हम विद यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँगी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ बाज़ार गई, तो इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी, आई वेंट टू द मार्केट विद माई सिस्टर। विद लगाया मैंने क्योंकि मैं किसके साथ गई, है ना, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई। तो साथ मतलब जो आपके साथ है उस वक्त में, काइंड ऑफ टुगेदरनेस की बात होती है, तो वहाँ पर हम विद लगाते हैं। और बाय जो होता है वो होता है कि वो काम किसके द्वारा किया गया, किसने वो काम किया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि लॉन को मो किया गया है, तो मो समझते हैं ना आप, घास काटना। तो अगर लॉन लॉन को मो किया गया है, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, द लॉन वॉज मोड बाय द गार्डनर, क्योंकि गार्डनर ने वो काम किया है। मोइंग का काम किसने किया है, गार्डनर ने किया है। तो वहाँ पे अगर मैं ये ऐसे इसको बोलूँ, द लॉन वॉज मोड विद गार्डनर, तो वो तो उसकी भाषा, उसका बिल्कुल मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लॉन भी मो हो गया और हमारा गार्डनर भी बेचारा मो हो गया, दोनों के दोनों शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शी कट द एप्पल विद अ नाइफ। देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया है विद, हाँ, तो उसने क्या किया कि उसने एप्पल को काटा है एक नाइफ के साथ, नाइफ से उसने वो काटा है ना, तो शी कट दी एप्पल विद अ नाइफ। लेकिन काटने वाला कौन है, काटने वाला है शी, यानी कि वो लड़की। तो अगर हम इसके पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे बाय आ जाएगा, द एप्पल वॉज कट बाय हर, है ना। तो जब हम पैसिव फॉर्म की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा एम्फेसिस जो होता है वो हमारे एक्शन पे होता है या हमारे ऑब्जेक्ट पे होता है, तो वहाँ पे हम बाय लगा देते हैं। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। द मूवी वॉज फिल्म्ड बाय अ वेरी फेमस डायरेक्टर, तो यानी कि वो मूवी बनाने वाला कौन था, वो एक फेमस डायरेक्टर था। वो मूवी किसके द्वारा बनाई गई, वो एक फेमस डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम ये समझ लेते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ होती है, जैसे आपके पास कोई चीज़ है या किसी के पास कोई चीज़ है, तो उसके साथ हम विद लगाते हैं। जैसे आई सॉ अ लेडी विद अ बुक इन हर हैंड, तो मैंने एक लेडी को देखा जिसके हाथ में क्या थी, उसके पास में क्या था, उसके हाथ में वो बुक थी, है ना। तो यहाँ पे हमने विद लगाया, आई सॉ द लेडी विद सम बुक्स इन हर हैंड, तो उसके हाथों में मतलब बुक्स थी। फिर बाय हम कहाँ पे यूज़ कर देते हैं, बाय हम यूज़ करते हैं जैसे कोई काम करने का मेथड होता है कि वो काम कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे जाना है यहाँ से जम्मू, ठीक है, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कार से जाऊँ कि मैं बस से जाऊँ कि मैं ट्रेन से जाऊँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और मैं लास्ट में गई बस से, तो आई विल से आई वेंट टू जम्मू बाय बस, आई वेंट टू जम्मू विद बस हो जाएगी, कि मतलब बस भी रोड पे जा रही है और उसके साथ साथ मैं भी रोड पे भाग रही हूँ, हम दोनों बस और हरविंदर कौर बराबर बराबर जम्मू भागे जा रहे हैं। तो ये नहीं है, बाय बस यानी कि वो तरीका, वो प्लान कैसा था, कैसे गए वो, है ना, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जब हम कहीं से जाने की बात करते हैं, तो कैसे गए, तो कैसे गए में हम बाय लगाते हैं। दूसरी बात की, जहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं,
जैसे कि आई के साथ अगर आप प्रोनाउन के बारे में, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, थोड़ा आप प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, जैसे आई के साथ मैं माई सेल्फ लगा दूँ, यू योर सेल्फ, वन वन सेल्फ, है ना, तो इनके साथ में हमेशा बाय ही लगेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसके साथ में बाय लगा दी, इसका मतलब कि उसने अकेले वो काम किया है, ठीक है। आई वॉश्ड द क्लोज बाय माई सेल्फ, तो यानी कि मैंने कपड़े धोए हैं, अकेले ने धोए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई वॉश्ड द क्लोथ्स विद माई मदर, तो यानी कि कपड़े धोने के प्रोसेस में मेरी माँ ने भी मेरी हेल्प की है, तो वहाँ पे विद लगा। लेकिन जहाँ पे वो काम मैंने खुद किया, मेरे साथ किसी ने वो काम नहीं किया, मैंने वो खुद से वो काम किया है, तो वहाँ पे हम उसको बाय लगाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस हैं मैंने लिखे हुए हैं, अब ये आपका थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है, आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पे विद लगेगा या बाय लगेगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, जब हम इमोशंस की बात करते हैं, जब हम बहुत फीलिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम विद लगाते हैं कि कोई काम हुआ बड़ी इमोशंस के साथ हुआ ना, शी क्राइड विथ जॉय, उसको इतनी खुशी हुई, मतलब क्राई का जो एक्शन था वो कैसा हुआ, वो उसके पीछे की इमोशंस कैसी थी, बहुत खुशी वाली थी, तो शी क्राइड विथ जॉय, ठीक है। तो वो काम के पीछे की जो इमोशंस को जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम विद लगाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं पढ़ देती हूँ। मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज ब्लाइंड विदाउट माई ग्लासेस, सो आई नीड टू वियर दिस। तो मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछती हूँ, आप देखिए कि आपको समझ में आ गया है विद और बाय का डिफरेंस। दोबारा से हल्का सा मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे बता देती हूँ कि विद होता है किसी चीज़ के साथ, जैसे मैं किसी के साथ खड़ी हूँ, या आई एम स्टैंडिंग विद माई सिस्टर, या आई वेंट टू द मार्केट विद माई सिस्टर, तो यानी कि उसके साथ। बाय हो जाता है उसके पास। देखिए, साथ और पास में बहुत फ़र्क है। जो साथ है यानी कि वो मेरे नोन है, मेरा जान पहचान का है, और जो बाय जब मैं लगा दूंगी, आई स्टूड बाय दैट मैन, आई आई वो स्टूड बाय दैट मैन का एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैंने उसका साथ दिया, किसी का साथ देना, किसी की मुश्किल की घड़ी में उसका साथ देना, वो भी ही स्टूड बाय हिज वैल्यूज़, है ना। तो मतलब आपने अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने वैल्यूज़ पे अड़े रहे आप, है ना। तो जैसे आई पार्क्ड माई कार बाय द बैंक, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने अपनी कार को कहाँ पार्क किया है, बैंक के पास पार्क किया है, तो वो दोनों जान पहचान वाले ज़रूरी नहीं है, या वो मेरा बैंक नहीं है, तो लेकिन मैंने उसकी प्रॉक्सिमिटी बता दी कि वो उसके पास है, ठीक है। विद होता है जाना पहचाना, साथ में है, बाय हो गया कि उसके प्रॉक्सिमिटी की बात करें कि उसके पास में है। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ, यू कैन अप्लाई द हेयर डाई डैश अ ब्रश, यू कैन अप्लाई द हेयर डाई, आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं ब्रश के, अब यहाँ पे विद लगेगा कि बाय लगेगा, किसके साथ, किसके द्वारा वो, नॉट द्वारा, किसके साथ वो काम किया जा रहा है, अप्लाई करने का काम किसके साथ किया जा रहा है, ब्रश के साथ ही तो किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि उसके साथ है तो इसलिए वहाँ पे विद लगेगा। यू कैन अप्लाई हेयर डाई विद अ ब्रश, बाय अ ब्रश का मतलब अगर आप लगा देंगे कि यू कैन अप्लाई द हेयर बाय अ ब्रश, तो मतलब ब्रश अपने आप से आपके डाई कर रहा है बाल, ठीक है, अपने आप से ना, अकेले, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा विद, यू कैन अप्लाई द हेयर डाई विद अ ब्रश, ठीक है। सेकेंड, ही इज़ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, ही लिव्स सॉरी ही लाइक्स टू डू थिंग्स डैश हिमसेल्फ, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है और वो सारी अपना जो सारा काम है वो खुद से करता है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है ना, तो वो खुद से किसी की हेल्प नहीं लेता। तो यहाँ पे बताइए आप लगेगा ही लाइक्स टू डू थिंग्स विद हिमसेल्फ या बाय हिमसेल्फ। मैंने आपको बताया कि जब आप अकेले या कोई इंसान अकेले वो काम करता है, तो वहाँ पे बाय लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही लाइक्स टू डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ। अगला सेंटेंस लेते हैं, वुड यू लाइक टू हैव योर टी डैश सम स्नैक्स, क्या आप अपनी चाय स्नैक्स के साथ लेना पसंद करेंगे, मतलब चाय तो है लेकिन क्या आप उसके साथ साथ स्नैक्स लेंगे, तो यहाँ पे बाय आएगा कि विद आएगा, यहाँ पे विद आएगा, तो ये हो जाएगा वुड यू लाइक टू हैव योर टी विद सम स्नैक्स। नेक्स्ट,
यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन एट दिस टाइम, गो डैश योर सिस्टर, तुम भैया बहुत रात हो गई है, अकेले नहीं जा सकते, अपनी बहन के द्वारा जाओ के साथ जाओ, तो अपनी बहन के साथ ही जाओगे ना, तो यहाँ पे विद आएगा कि बाय आएगा, यहाँ पे विद आएगा क्योंकि आप किसी के साथ जा रहे हो और वो आपका जाना पहचाना है, आप किसी के साथ जा रहे हो, है ना। देन यस, आई सॉ अ बॉय डैश मैनी टैटूज ऑन हिज आर्म, बड़े सारे उसने टैटू बना रखे हैं अपने आर्म पे, तो मैंने एक ऐसा लड़का देखा, तो आई सॉ अ बॉय विद अलॉट मैनी टैटूज ऑन हिज आर्म, आई सॉ अ बॉय बाय अलॉट मैनी टैटूज ऑन हिज आर्म, किसके साथ, मतलब उसके पास क्या चीज़ है, उसके पास बहुत सारे टैटूज हैं जो उसने अपनी आर्म पे बनाए हैं, तो यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा, विद टैटूज ऑन हिज आर्म, क्योंकि ये उसकी चीज़ है ना, ही इज़ पोजेसिंग दोज टैटूज। देन एक और सेंटेंस ले लेते हैं, डोंट लुक एट मी डैश सरकाज़म, मेरी तरफ ना सरकास्टिक होके देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सरकास्टिक होना मतलब ना सरकाज़म के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब देखने के पीछे की क्या इमोशंस हैं, आप देख रहे हो किसी को घृणा के साथ, नफरत के साथ, खुशी के साथ, प्राइड के साथ, किसके साथ आप उसे देख रहे हो, यहाँ पे तो सरकाज़म यूज़ किया, तो कोई इमोशन है उसके पीछे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम किसी इमोशन के साथ बात करते हैं या किसी काम के पीछे की इमोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे आएगा विद, तो डोंट लुक एट मी विद सरकाज़म। शी वेंट टू द बीच डैश हर पेरेंट्स, वो बीच गई अपने पेरेंट्स के विद या बाय, शी वेंट टू द बीच विद हर पेरेंट्स या शी वेंट टू द बीच बाय हर पेरेंट्स, विद हर पेरेंट्स, है ना। बाय बच्चे एक और चीज़ के लिए होता है कि बाय ना एक एजेंट का काम करता है, जैसे किसके द्वारा वो काम हुआ गया है, मतलब उसने क्या, किसने वो एक्शन किया है, तो ये हमें देखना होता है, तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ गई है, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, आई वेंट टू द ऑफिस विद बस या बाय बस, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तभी मैंने आपको अपना एग्जांपल बता दिया था कि मैं जम्मू बस के साथ गई या बाय बस गई, तो हम तो वैसे ही बोलते हैं बाय बस, तो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, हम इंडियंस कितने अच्छे हैं ना, हम प्रेपोजिशन के साथ ही बोलते हैं, बाय बस चले जाएंगे, तो आई वेंट टू द ऑफिस, आई वेंट टू द ऑफिस बाय बस, ठीक है। एक लास्ट वाला एक और ले लेते हैं, डोंट रब द टेबल डैश योर हैंड्स, अपने हैंड्स के साथ टेबल रब मत करो, हैंड्स के साथ मत रब करो, तो साथ वर्ड यूज़ कर दिया है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे विद आएगा, सो डोंट रब द टेबल विद योर हैंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, मैंने तो कोशिश की है कि बहुत कुछ क्लियर करवाने की, बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जब आप पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टार्टिंग में मैं अपने प्रमोशंस नहीं करती हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी खुशी है, आपकी श्रद्धा है, गुरु दक्षिणा है, वॉट एवर, तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का क्या रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच आउट होंगे और वीडियोज़ के माध्यम से हो सकता है ये उनको भी काफ़ी, उनके लिए भी यूज़फुल हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।